नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के मामले में विपक्ष अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए आ गया है। गुरुवार को जहां विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला, तो वहीं आज इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता। और इस हर एमपी लाखों वोट लेके आता है, आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे पार्लियामेंट हाउस में? दो तीन युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए? अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था?